स्वराज की जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी ज्यादा होने की कोशिश होती है, क्या है? सब कुछ कंट्रोल में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस पूरी तरह सतर्क है, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू। आज विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, विजयदशमी का जो त्यौहार है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और हम सब जानते हैं कि आज का दिन जो है वो असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, अधर्म पर धर्म की जीत का दिन है। और हमने देखा कि भाई राक्षस वृद्धि, राक्षस बुद्धि के जो लोग थे जिन्होंने अधर्म का सहारा लिया था और त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के नाम से
सुप्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत ही अत्याचार उस समय जो थे वो किए थे, लेकिन इनका सर्वनाश करने के लिए भगवान राम जी ने अवतार लिया। और आपने देखा होगा कि भाई लंका पर विजय प्राप्ति के बाद फिर ये तीनों जो राक्षस थे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनका जो है वहाँ पर संस्कार किया गया था। तो पूरे देश भर में आज ये जो पुतले के रूप में राक्ष रूपी बुद्धि के जो जीव हैं उनको जलाया जाता है, उनका संस्कार किया जाता है। ये प्रेरणा देता है हमें कि हम जो है वो सत्य के मार्ग पर चलें और सबको साथ लेकर चलें। तो इस शुभ अवसर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें जो है भगवान राम से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए।